Like is a thing I like. Here is I got good friends here, and the thing I don't like. पसंद लगी और जिसके लिए मैं यहाँ कभी उदास नहीं हुआ और खुश होता हूँ इस बात पे। बुरी बात हमारे पास पता है क्या? क्या? टीचर्स तो नहीं देखते? नहीं 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 देखता। हम छोटे बच्चे हैं। हाँ, छोटी बच्ची हो क्या? अच्छी बात है क्या? दो अच्छी बातें हैं। वालेकुम अस्सलाम। Oh my God! Assalamualaikum everyone. Welcome back to another vlog. और hopefully आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए। काफ़ी दिन हो गए थे ब्लॉग भी नहीं बनाया था, और आज मैंने एक और चीज़ सोची कि विल बी आस्किंग नमलियंस के व्हाट डू दे लाइक अबाउट नमल एंड व्हाट डू दे डिसलाइक अबाउट नमल। कुछ ऐसे भी हैं जो लास्ट सेमेस्टर के हैं, उनसे भी पूछेंगे हम कि हाउ डू दे लाइक नमल और हाउ वाज देयर टाइम इन नमल। सो लेट्स गो एंड कैच यू गाइस। बाकी जो अपनी डेली की गपशप होगी वो भी होगी ब्लॉग में, लेकिन सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा स्लाइड सा ना हम क्वेश्चंस डालते हैं इसमें। हैं हैं चलो मिलते हैं। कौन सा? मेरा कंटेंट चोरी करते हुए। इस मुंह के साथ तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कंटेंट है। हाँ जी, सो यू आर हैविंग बुजी हेयर विद अस। तो बुजी से पूछना है कि पेपर कैसा हुआ है। वैसे इससे उम्मीद तो नहीं है कि इसका बुरा होगा, क्योंकि इसका 4 GPA चल रहा है अभी तक। तो इसे पूछते हैं कि हाँ बुजी, 2.8 GPA चल रहा है, ठीक है, और इस दफा भी मैं 1 में। अच्छा, ड्रॉप आउट। चलो कोई नहीं, दैट हैपेंस, दैट्स लाइफ, यू लर्न विद योर मिस्टेक्स। अच्छा, सो टेल मी हाउ वाज योर पेपर? अच्छा था। अच्छा था? ये कोई तुम पिकनिक पे नहीं आई नारान का गान? अच्छा था, बताओ कैसा था? देखो अच्छा था, हो गया ना पे। मी वन लाइक एंड वन डिसलाइक ऑफ नमल। यू कैन मे बी से 2 or 3, बट इट्स अप टू यू। लाइक एंड डिसलाइक। यस, मुझे डिसलाइक नमल का क्या है? लाइक या जल्दी बोल, सुबह पनवेल भी निकलना है। बीबीए का अख्तर लावा। बीबीए का अख्तर लावा। Yes. That's और dislike. बीबीए का अख्तर लावा कौन सा है? Dislike बाय निकाल देते जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अरे मेरे साथ मेरा एक बड़ी आ गया। क्या हाल है? ठीक है जनाब, सुनते हैं। जेबे तो डिसलाइक यही है कि कैफे वाले अंकल है, मुझे 2 आलू नहीं डाल के देते, मुझे लड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद बिरयानी में 2 आलू डाल के देते हैं। ये डिसलाइक है तुम्हारा? वेरी मच, वेरी बिग डिसलाइक। क्यों भाई, क्यों नहीं करना? डिलीट कर दी थी मेरी। कौन, क्या डिलीट कर दी थी? वो रेड ड्रेस में पिक्चर्स। यार वो वल्लाह कि मुझे नहीं पता चला वो कहाँ गए। आई स्वेयर मुझे नहीं पता चला वो कहाँ। एक बार फिर मैंने आपको बोला था अली भाई मैंने पिक्चर्स बनानी है, उस दिन भी आप गायब हो गए थे। और यार मैंने तुम्हें कहा था फोन ले जाया करो, फोन का मुझे नहीं होता बेशक, बशर्ते कि मैं तुम्हें मिल जाऊँ। यार ये पता है क्या, हमने दिखाना ये है कि व्हाट नॉर्मल पीपल डू। सही है, इट समझ गए आप, मुझे नॉर्मल पीपल कह रहे हैं। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, आपको तो मैं कह भी नहीं सकता। मैं ये खुद को कह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये बता रहा हूँ। तो और मैं ये साथ बता रहा हूँ कि स्पेशल पीपल क्या करते हैं। इस तरह आप भी बचपन में एक स्पेशल चाइल्ड थी, मेरा मतलब कि टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज। एक बहुत ही ब्रिलियंट, शी इज अ ब्रिलियंट पर्सन एंड शी इज मार्वेलस एंड शी इज आउटस्टैंडिंग। ईमान इज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि तुम जो है। अच्छा तो ये क्या थी? हाँ यार, शी इज प्रीटी इंडीड, शी इज प्रीटी, शी इज ब्यूटीफुल। क्या था, क्या था? नमन की एंजेलिना जूली। क्या जानते, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन नमन, उनमें भी अगर तुम एंजेलिना जूली आ रही हो ना तो बी हैप्पी विद दैट। लाइक सब्सक्राइब कर दे, लाइक सब्सक्राइब, यू आर फाइंडिंग समथिंग, व्हाट यू आर फाइंडिंग, एंड आई थिंक यू कैन हेल्प अस। नो आई कैन नॉट, आई कैन नॉट हेल्प यू विद एनीथिंग। जो काम है वो बात करना। नहीं, तुमने मास्क क्यों चढ़ाया हुआ है पहले मुझे ये बताओ। नजर ना लगे इसी मास्क। क्या करने के लिए? इसी मास्क नजर ना लग जाए। ओह ये तो है वाकई, ये मास्क उतारना भी ना, नहीं तो डर लग जाएगा। पहले मुझे बताओ ना तुमने पूछना क्या है मेरे से, और ऐसी क्या बात है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैं हाँ सर जगह रहे थे वहीं पे चलते हैं। अच्छा, हेल्प मांग रहे हैं मतलब। ओके गाइस, मैं इनको जरा थोड़ा सा हेल्प कर दूं और उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। सो वी विल टेक अ पॉज एंड वी विल राइट बैक। हाँ जी, तो एज आई सेड कि आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टुडे कि टेल मी वन डिसलाइक एंड वन लाइक अबाउट नमल। सो आई एम आस्किंग नाउ शांजे दैट व्हाट डज शी लाइक एंड व्हाट शी डज नॉट लाइक इन नमल। सो शांजे जाफरी, एज यू हैव लिसन द क्वेश्चन, सो वुड यू लाइक टू आंसर इट, वन डिसलाइक एंड वन लाइक अबाउट नमल। Like is a thing I like. Here is I got good friends here, and the thing I don't like,
Namal don't get the good cafes, you know. Okay. Yeah, they are not good cafes in Namal. अभी हमने एक orange juice लिया and you. तो ये ऊपर से तो नहीं लिया. सारा पानी मिला हुआ था. हाँ, juice था. पानी था. ये ऊपर तंदूरी से तो नहीं लिया. नहीं नहीं कहाँ से? Scene on से लिया था. Scene on. सारा पानी. Where is scene? Scene on Nam. Scene on. Oh my god, बहुत cool होने वाला है. बहुत cool होने वाला है. Scene on, scene on जरा जाओ. लेकिन नहीं मजा नहीं आया. नहीं बिल्कुल. तो यार ये डिसलाइक से भाई मैं भी एग्री करता हूँ कि तंदूरी यहाँ पे खुला ऊपर तंदूरी एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत है ऊपर से टेस्टलेस है मुझे नहीं एक चीज़ नहीं बिरयानी भी नहीं तंदूरी की कुछ नहीं पसंद. ईमान नाउ इट्स योर टर्न. अली भाई 10 बजे जाओ बाहर वो आंटी कहती है चलो वापस जाओ अंदर ये बच्चों वाला सीन है क्या मतलब ये एक बहुत वैलिड 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 पॉइंट है वैलिड पॉइंट स्कूल में है कहां है ना ईमान ईमान वांट्स फ्रीडम. यस तो अगर वो घर से निकली है तो उसको आजादी चाहिए. ढाबे पे जाके 9 o'clock ढाबे पे जाके थोड़ा सा इधर हो जाओ ईमान. अक्सर हम लोग अली भाई देखे फ्री हो जाते हैं जल्दी हम कहते हैं कि बाहर चले जाए आइए हाँ तो वो आंटी कहती है बाहर नहीं परमिशन लेके आओ परमिशन लेने जाओ वो कहते हैं नहीं यहीं पे बैठो. तो क्या हम छोटे बच्चे हैं? छोटी बच्चे हो क्या? बच्चे हैं क्या? तो ये है भाई. और अभी तक जो है तुम्हें मतलब सबसे जो है अच्छी चीज क्या लगी है? अच्छी चीज बस मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे वही अच्छा है और तो कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे. अच्छा ये दीवारें नहीं अच्छी? नहीं कांच अच्छी. की बनी हुई दीवारें कांच की होती ना तो ये दीवारें ना रहती. कांच के हमारे दिल हैं. ओह माय गॉड चांदे डोंट से दिस एट लीस्ट यू शुड नॉट. सो लड़कों के काटने के बाद गर्ल्स बी लाइक दिस के हमारे कांच के दिल हैं तो ये दिस इज अ ट्रिक. वो किसी ने अपने हाथ पे भी ब्लेड मारा हुआ होगा किसी ने अपनी कमर पे मारा होगा कोई अभी भी चुरिया तेज कर रहा होगा. तो अरे आप बहुत फनी हैं. नहीं यार मैं डिड यू आई एम जस्ट स्पिटिंग आउट फैक्ट्स. टू मच इंग्लिश टुडे. अच्छा देखें आप इसको गौर से 3.8 GB है माशाल्लाह. तो खैर काश मेरा भी होता लेकिन नहीं मेरा तो मुझे लगता है इस सेमेस्टर मेरा जो 3.01 है ना वो 1.01 प्रॉप सब कुछ लग जाएगा उस पे. हाँ सही बात है. देखो पता है दिस वाज फॉर द प्रेजेंटेशन सेरेमनी एंड सी यू गाइस अ बिट लेटर. लोग मुझे कहते हैं हम सोच रहे थे आप शरीफ हैं मैं आरिक को कहता हूँ मैं मासूम हूँ कहते मासूमियत देख लिया आगे से स्क्रीन शॉट आ रहे हैं. आप यूं कर रहे थे मिडिल फिंगर के. मैंने कहा वो मेरे साथ उसने यक्की मतलब हाँ देख लें जी मासूम है ये मासूम है ये नून हटा के नेक है. पहले भी उसने मतलब वो बीगा वाली वीडियो पे मेरे साथ उसने गेम किया. अच्छा यार तो वी आर हैविंग मिस्टर वकास शबीर. आप सब लोग तो जानते ही होंगे वकास शबीर को क्योंकि पहले भी ब्लॉग्स में आते रहते हैं और हमारी ब्लॉग्स की शान है आन है मान है और वकास बहुत तैयार होते हैं रोकर इंस्टा का भी हवाला दूं ताकि मैं वीडियोस. ओके 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 वकास आजकल बहुत तैयार होकर आते हैं यूनिवर्सिटी पता नहीं रीजन क्या है. देखिए मैं ब्लॉग बना रहा होता हूँ लेकिन मैं ठीक तुम सुनाओ कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? ठीक है मेरे पेपर्स अच्छे हो रहे हैं अभी तक तो दो रह गए हैं. और तुम फिर तो तुम्हारे कैसे हो रहे हैं? मैं अब चपेट भी मारूंगा पता है ना मेरा. मैं बात कर रहा था वकास शबीर से. मोहतरम आप पीछे क्यों जाते हैं? मैं आपके करीब आता हूँ आप मेरे से दूर होते हैं. हाँ आपके ड्रेसिंग नजर आ रही है लोगों को पता चल रहा है बहुत प्यारे लग रहे हैं आप इतना तकल्लुफ ना करें. नहीं करके रात को लेटा हुआ था. नहीं वाकई वकास आज बहुत प्यारा लग रहा है यार नो डाउट मैं तारीफ करने पे मजबूर हो गया हूँ और प्यारा है भी. और आज तो फिर जो है ना इसने व्हाइट शर्ट के ऊपर जो ऊपर ये ब्राउन जैकेट पहन के सारी गेम को ना यूं ऊपर चढ़ा दिया. मेरा जो ब्राउन कोट पड़ा हुआ ना तेरे पास वो मुझे वापस कर दे. मेरा ग्रीन वाला तेरा ग्रीन वाला रऊफ के पास पड़ा हुआ है मेरे पास नहीं पड़ा. मैंने तुझे दिया था. मुझे नहीं दिया था तूने रऊफ को दिया था. मैंने तुझे दिया था तू मुझे. मेरी बात सुन वो मेरा 3 पीस का कोट है वो पूरा पेंट कोट मैंने 11,000 रुपए का सदर अमेरिकन से बनवाया था. अच्छा और सदर अमेरिकन दोबारा मेंशन करो. ग्रीन कोट वो भाई रऊफ के पास पड़ा है वो आपको मिल जाएगा. मैंने एक दफा सिर्फ पहन के आया हूँ. अब बात कर रहे अच्छा एक मिनट इससे कसम उठवा लो कि अगर वो कोट इसने खुद खरीदा था चल या वो तेरा है चल इस पे भी उठा दे. सच में लगा इसका कोट नहीं है सही है इसलिए बिक्री से कोपा हुआ था मैंने आगे से इसे कोप लिया. अच्छा मजे की बात आपको एक बताऊं मैंने इसको कोट दिया इससे आगे किसी ने कोप लिया. गोपन गापा वाली जो गेम है बड़ी खराब है सही है. तो अच्छा वकास आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ. क्वेश्चन ये है कि आप नमल का कोई एक लाइक और डिसलाइक बताएं. आप बताएंगे आपको नमल में कोई एक ऐसी चीज क्या पसंद है और कोई एक ऐसी चीज जो नहीं पसंद है. जो मुझे नमल में पसंद लगी और जिसके लिए मैं यहाँ
कभी उदास नहीं हुआ और खुश होता हूँ इस बात पे कि मेरा जो सर्कल है ना, मेरे जो दोस्त हैं, खुसूसन कैमरे के पीछे भी ऐसे खूबसूरत लोग और कुछ इर्द गिर्द और कुछ लोग वर्किंग पे, तो ये मेरे लिए एक मतलब समझ लें कि हार्ड वर्क पे, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, इधर कुछ लोगों का मोटिव है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, सक्सेस यस, और विकास का मोटिव है कि स्टैंडिंग इन बस स्टैंड इज द की टू सक्सेस, नो नो लगा लगा ला दरअसल देखें पहले वहाँ पे बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता था तंदूरी कैफे के नाम से, जैसे ही एक महीना हुआ लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद वो बैनर उतार दिया इन्होंने, और यहाँ के खाने का एक तो प्राइसेस बहुत हाई है, ऊपर से टेस्ट, ऊपर से टेस्ट लेस है, मतलब कुछ खास टेस्ट भी नहीं है इनका, और मैं गुजारिश करता हूँ इनके जनाब इज्जत माब मैनेजर साहब से, मैनेजर साहब से भी और इनके जो ऑनर हैं कि उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा क्वेश्चन तो आपने सुन लिया होगा, वैसे तो नॉर्मली तो मैं वैसे ही कैमरा जो है मुंह पे ले आता होता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आयशा का जी लास्ट सेमेस्टर है, एट सेमेस्टर है और ये एट सेमेस्टर के पेपर दे रही है, तो इसने तो नमल को 4 साल देखा है और ये शायद कोई अच्छी बात बता सके कि कोई एक अच्छी और एक कोई एक बुरी बात। मुश्किल है, अच्छी बात तो नहीं है वैसे, हो भी सकती है लेकिन मुझे नहीं नजर आए। वालेकुम अस्सलाम जोया सीजी, क्यों दो अच्छी बातें, पहली बात ये भाई साहब कौन थे और इनका भी जो है वो लास्ट सेमेस्टर है नमल में, और आयशा से हम पूछने के बाद इनसे ही पूछेंगे कि एक अच्छी बात और एक बुरी बात नमल की। मैंने ना अली बहुत ज्यादा सोचा है, तो मुझे ये रियलाइज हुआ है कि अच्छी तो थोड़ी कम ही बातें हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पर धूप बहुत अच्छी लगती है। बुरी बात हमारे पास पता है क्या? क्या टीचर से नहीं देखते? नहीं नहीं देखते, वही देखते हैं, नाउ कमिंग अप टू सुभान भाई, सुभान भाई आप बताएंगे आपको कौन सी एक ऐसी बात जो है अच्छी लगती है और बुरी लगती है? वैसे तो यहाँ पे कोई अच्छी बात है ही नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टाइम सही बंदा स्पेंड कर लेता है, टाइम पास सही हो जाता है बंदे का, अच्छा सुबह 7 बजे आता है और इवनिंग का दिल लगा रहता है, अच्छा हम बस दिल लगा रहता है, लेकिन बुरी बात ये भी है कि फीस के पैसे नहीं पूरे होते, वो लेके नहीं, वो आप कैसे पूरा करना चाह रहे हैं ये भी बताएं ना, फिर आप सुन नहीं सकेंगे। बहुत प्यारा लग रहा है, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, हर तरीम मेरे पास अभी भागती भागती आई है और इसके पास जो है वो था, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन, हाँ माइक था, माइक था, तो आते आते इसने और कोई बात नहीं की, पहली बात इसने आगे की है कि मैंने 6 एक्स्ट्रा सीटें लगाई हैं, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? बस नंबर भी 6 सीटों वाले आ जाएंगे। अच्छा यार, तो सीन क्या है ना कि अभी क्या मेरा पेपर तो गया हो और रऊफ भाई का पेपर रहा है, गलत बात, अच्छा यू लव हो शाड़प जय हो यार, बहुत खबीज है भाई, बीटीएस मैन जय हो, जय हो, तो जंगकुक हो, तो बीटीएस हो यार, एक मिनट बोलने देना, तो मेरा पेपर गया हो, आज मेरा पेपर थोड़ा अच्छा हो गया, मैंने जो है क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए हैं और इसलिए शायद मेरे पे आज एनर्जी भी आप लोगों को ज़्यादा नज़र आ रही होगी, और दूसरे और आज मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे में एनर्जी थी इसलिए, और रऊफ जो है इसका पेपर अभी नहीं हुआ, ऐसे तलाक याफ्ता बेवा की तरह इसका मेरी तैयारी बना हुआ है, मेरी तैयारी भी गई है हो नहीं नहीं नहीं, ये पता है क्या करता है, ये पढ़ता नहीं है पेपर में, नहीं पेपर में 8 छुट्टियां भी होंगी ना, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा, इसका पेपर होता है इवनिंग में, ये सुबह आएगा 11-12 बजे, जो जो पेपर दे के निकला होगा बाहर उनसे पूछेगा, हाँ तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, वो सारों से पूछ पूछ के ये उस टाइम तैयारी करता है अपनी, और जो जो मैं एक्स्ट्रा सीटें लगाता हूँ तो फिर भी एक्स्ट्रा सीटें लगाता है, खैर शापर तो बचपन से ही है ना, फिर फाड़ने पे तो किसी के प्योग है, जितना मर्जी फाड़ो, हाँ तो ये बात है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं, हमारी तैयारी गई है हो, हमारे जो होस ब्रोज हैं वो बैठे हुए आईसीएमए ढाबे, ये सामने आईसीएमए का ढाबा है जी, हाँ हम वो ढाबे पे बैठे हुए हैं, हाँ और उनकी कॉल आई थी हमें कि भाई के आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंधा बीच यार आप आ जाओ चाय पिलाऊंगा ब्रो, आप मेरे व्लॉग में बोले क्या डॉक्यूमेंट्री है, आप एडिटर आप है ना कोई मसला नहीं है, मैं अपना कंटेंट जाया नहीं, मेरा हाथ आ गया पकड़ पकड़ के, मोबाइल कम पकड़ा करें, आई वाज सेइंग
What was I am saying? English is coming to me. English is coming to me. Come join us. भैया जी भैया जी बात सुनाए हमें आज, हम आपकी स्टोरी टेलिंग के हम जो है ना बड़ी फैन है, तो हम आज के दिन की अच्छी बात पेपर कैसा हुआ है? ये बुरी बात नहीं पूछनी, अच्छी बात पूछनी, ये अच्छी बात होती है। अच्छा मुझे एक बात बता कि तूने नमल में 3 साल गुजार दिए, क्यों? ऐसा ही है। नमल की एक अच्छी बात बता, एक बुरी बात बता। यार एनवायरनमेंट बड़ा मजे का लाया। एनवायरनमेंट मजे का है नमल का? हाँ, क्लासेस का तो देखा नहीं है, बाहर का ही देखा है तो पता लग गया। ये अच्छा था। और एक कोई मतलब बात जिससे तू सेटिस्फाई ना हो, कोई भी ऐसी चीज हो। सेटिस्फाई तो मैं पढ़ाई से नहीं हूँ। क्या कह रहा था? क्या हाल है भाई जान? ठीक है, मैं ठीक, आप सुनाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखें पीछे से भाई दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये वाले तो चूतिया लग रहे हैं, ये वाले नहीं है बाकी के। आप देख रहे कितना फासला है दोनों में? हाँ फासला तो थोड़ा ही है, दो मोर। ये ओजी ने ये देख के परेशान हो गया, कहता हमारे में तो इतना नहीं था। ओजी बड़ी कटिंग कराई है आज, है बड़ा स्मूथी बन गया है, बड़ी फेड कटिंग, ऊपर से थोड़े थोड़े बाल, 6 साल पीछे चला गया तू आज से। 150 पूरा लूंगा। अच्छा पहले भी इसका रेट वैसे 150 ही था कटिंग से पहले भी। रेट खराब नहीं करना ना, रेट फिक्स है, मार्केट फिक्स है भाई। कस्टमर लालच कभी नहीं की, कस्टमर खराब नहीं करना, लालच से व्यापार जो है ना हमेशा खराब होता है, हमने लालच नहीं करनी। ठीक है, और बाल भी इसके बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये देखें मजा आ रहा है खुदाई कसम। तू तो मेरे नई से अच्छी मालिश करता है यार, 150 में तुझे दूंगा। तो बहरहाल बाल इसने ऐसे बनाए हैं कि इनको जो है ना आप जितना मर्जी खराब कर लें, एक हाथ मारने पे वापस ठीक हो जाएंगे। वैसे अली ना यार बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं फिट लग रहा है, तुम्हें प्यारा लग रहा है। वो जो मेरे बाल खराब हो गए, वो जो लड़के लड़कियों को पसंद नहीं होते वो वाला लड़का लग रहा है तुम? नहीं वो ऐसा मुझे अपने पे यकीन है, मैं नहीं लग सकता। नहीं वो जो मैंने पता क्यों करवाए, खुश्की बहुत ज्यादा और बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे। आप में से किसी को अगर इसका कोई वो क्या कहते हैं सोल्यूशन पता है तो आप। मेरे पास एक तेल है वो लगाई, वो जो आप बाबा ने दिया था आपको? जी के उस जहर को देना। हाँ वो होलसेल से लेके आए होंगे ना, उनको मार्केट का पता है। आपकी अम्मी की दुकान थी होलसेल। मैंने जैसा कि बताया था कि रऊफ जो है वो यूनिवर्सिटी आके पढ़ता है, इसका इवनिंग में पेपर होता है, सही है? तो रऊफ बता क्या कह रहा था तू कि जेबी ने कैसे पढ़ाया तुझे? कि आज से 15 मिनट पहले जब मुझे जेबी भाई पढ़ा रहे थे बिल्कुल, तो हम उधर खड़े थे। अच्छा वो उधर जेबी ने डेनिम की जैकेट पहनी थी। ठीक है, बात चार्ट का है। वो कहा जल्दी मुझे पढ़ा रहा था ना, एसईओ के कुछ टॉपिक्स थे, तो उसमें हेडिंग्स थी पता नहीं एसईओ हेल्थ को, हेल्थ पता नहीं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हेडिंग पढ़ा के मैं इसको देखा, मैंने कहा ये समझा कहता यार सिंपल है, मैंने कहा क्या है, कहते आपस में हेल्थ फैलाते हैं। ये वही आ रही है, मैं 40वीं बार ये बात सुन रही हूं। ये वही वाली बात है। कुछ माने इसने तेरा मजाक उड़ाया, मार इसको। नो कमेंट। तू भी कर। नाज़रीन यहाँ पे सख्त 18 प्लस चल रहा है, हम यहाँ पे ब्लॉग को बंद करते हैं अभी, क्योंकि फिर ये फिर आगे से चलते जाते हैं। गुड मॉर्निंग, वेयर हैव यू बीन फ्रॉम द मॉर्निंग, वेयर हैव यू बीन यार? पेपर था यार, दिस इज माय बीन, आई एम योर बीन, आई एम ह्यूमन बीन। वेयर हैव यू बीन? आई एम ह्यूमन बीन, आई फाउंड यू, आई फाउंड यू इन सो मेनी प्लेसेस, आई मिस यू। इंग्लिश बोलता? डोंट यू मिस? इंग्लिश बोलता बहुत खूब इंग्लिश बोलता। इट्स माय बीन, दिस इज माय बीन, नो दिस इज माय बीन, दिस इज माय बीन, आई एम बीन, आई एम बीन, किधर था? सो बीन इधर था यार, पेपर दे और पेपर तो दे रहा था, उसके बाद सर स्नेन ने बताया, बस कर दे, हम इधर ही घूमते रहे। एक तो झूठ झूठ तो इसने जो है ना उस पे रखा, सर स्नेन ने बताया बोसड़ी वाले के 50 में से 47 नंबर है, 47 यार, तो यार नंबर टोटल 47 है टोटल। यू स्नेक इसका प्यार मेरे लिए जो है ना वो कम पड़ गया। अली भाई एक दिल है ना, अगर इस दिल के अंदर जो पंप जो खून सप्लाई करती है जो वेन वो आप है, जिस दिन वो रुकी मैं खत्म, फिनिश, यही बातें जो है ना मुझे बस नहीं।
तो यार ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। यार वीडियो का कोई भी पार्ट कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगा ना तो काइंडली लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अभी मैं सोया हुआ था, सो के उठा, उसके बाद 303 घंटे हो गए मुझे ब्लॉग एडिट करने में। एंड वन मोर थिंग इस वीडियो में कि आई वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू राहिल जट। वो भाई मुझे 2-3 वीडियोज में कह चुके थे कि यार आप मुझे शाउट आउट दीजिएगा, तो ब्रो बिग शाउट आउट टू यू एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। काइंडली आई रिक्वेस्ट कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ मैं अपनी जो है ना छोटी मोटी रील्स बना के, वीडियोस बना के साउंड्स पे अपलोड करता रहता हूँ, तो प्रॉब्ली आप लोगों को वो भी अच्छी लगें। तो काइंडली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं जो लिंक है इंस्टाग्राम का यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ गो एंड फॉलो। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब वाले बटन को ना यूँ पढ़ूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।